सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, क्योंकि अब हो चुकी है सुबह और इस समय बज रहे हैं सुबह के 6। और जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि नाश्ते की तैयारी हो गई है, चाय जो है वो बनाई जा चुकी है और अब पराठे सेकने हैं, पराठे की तैयारियां हो रही हैं। तो मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर ही मनी प्लांट लगा हुआ है, तो मैंने उसमें पानी देने के लिए बाहर निकली थी तो देखा गली में इतनी सुबह सुबह आज इतने सारे बच्चे, इतना ये अंकल जी भी आ गए अपना अचार लेकर और अचार बेचने के लिए निकले हैं। तो ये रहा हमारा मनी प्लांट। सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी किरणें से पड़ती हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, हरा भरा कम रहता है, सूखता ज़्यादा है। और कुछ आलू के पराठे और दो जो हैं, क्योंकि पारस को है ना, तो हमने दो सिंपल पराठे बनाए। और क्योंकि जैसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि किचन छोटा है तो कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं पहले से ही, तो जल्दी जल्दी मैंने फिर पराठे बना दिए थे, क्योंकि 6:30 बजे तक पारस को है ना स्कूल के लिए बाहर छोड़ने जाना पड़ता है, वैन आ जाती है 6:50 पर। और बना बुनू के मैं पारस को छोड़ के आ गई स्कूल और उसके बाद नहा धोकर मैं हो गई तैयार। किचन का काम ख़त्म हो गया था, नाश्ते का नाश्ता सभी लोग कर चुके हैं और उसके बाद जो था वो दोपहर के ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। बर्तन बर्तन धो कर मैंने जल्दी से, अभी बहुत सारा काम है जो करने को बाकी है। और क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरे इंस्टाग्राम फैमिली पर अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे आए और मैंने इतनी सारी पोस्टें भी डाली हैं, लगभग 600 पोस्टें मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरे फॉलोवर्स बहुत कम हैं। ये खुशी की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब और लोगों की फाइल देखी जाकर इंस्टाग्राम पर, सच्ची मानोगे आप, कुछ भी नहीं होता उनकी वीडियो के अंदर, फिर भी उनके 5,000-6,000 फॉलोवर्स होते हैं, कोई भी ढंग की वीडियो नहीं होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंस्टाग्राम पर लोग देखते क्या हैं। चलो वो तो उनकी मर्ज़ी, वो देखना चाहते होंगे, वही समझ में आता होगा उनको। यहाँ पर दोपहर हो गई थी तो मैंने ना कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार जो है अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरा प्रेसिंग व्रेसिंग करके कपड़ों को रखना, और साथ ही समय कमरा पूरा फैला हुआ है क्योंकि पूरी प्रेसिंग करने के बाद ही मैंने कमरे को समेटना है। मैंने अभी जो है ना प्रेस किया है, ये मेरा 1 पीस मीशो से जो लाई थी वो है, तो ये मैंने प्रेस कर लिया। अपने बहुत सारे सूट प्रेस किए हैं मैंने, मुझे आदत है कि अपने कपड़े प्रेस करके रखना और प्रेसिंग करती ही पहनना, अच्छा लगता है प्रेसिंग रखना कपड़ों को। तो क्या था, आज बहुत सारा काम था, पूरी सफाई वफाई की है तो इसलिए मैं पूरी की पूरी काम वाली बाई बनी हुई हूँ। और सुबह जो मैं नहा चुकी थी उसके बाद मैंने बहुत सफाई की, फिर वही हालत हो गई। क्या करें, ऐसे ही चलता रहता है, जब घर पर होते हैं तो काम करना होता ही है। और बहुत ज़्यादा थक गई, थकान की वजह से मैं नीचे जाके बैठ गई। मुझे घर में बड़ी घुटन घुटन महसूस हो रही थी, पूरा घर अजीब सा लग रहा था काम करने के बाद, तो मैं नीचे आ गई। मैं यहाँ बैठ कर मैं गली को देखने लग गई, भैया कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इतनी दोपहर में भी लोगों को चैन नहीं है, बच्चों को चैन नहीं है, कोई सोने को राजी नहीं है, किसी को वो नहीं है कि 6 बजे के उठे हुए तो चलो थोड़ा घर में जाके बैठ जाएं, सो जाएं, आराम करें। इतना शोर मचाते हैं गली में बच्चे, हद है, दिल्ली में बच्चे इतने सारे हैं क्या बताऊं। और शाम के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मम्मी से कि मम्मी शाम को क्या बनाना है, तो जब मैं ऊपर आकर देखा तो पता लगा मेरी मिक्सी ही ख़राब है, अब मसाला कैसे पीसेगा। तो चलो भाई, मसाला पीसने के लिए हमने सिलबट्टा निकाल लिया, ये है हमारा हमेशा ठीक रहने वाला सिलबट्टा जो कभी भी ख़राब नहीं होता, चाहे मशीन चाहे बिजली आए चाहे जाए, उससे इसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कभी कभी जब हम सिलबट्टा यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा और लगता है, थोड़ी सी दिक्कतें लगती हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने दुपट्टा तो ऐसे फंसाया है जैसे मैं किसी जंग के मैदान पर जा रही हूँ, तो अब मैं लग गई सिलबट्टे से मसाला पीसने। लेकिन ये है कि हाँ, इससे जो मसाला पीसता है और उसकी जो सब्ज़ी जब हम बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, ये बात मैंने महसूस की जब ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और एक बात मुझे और बताना कि इस गर्मी में कौन कौन ऐसा है जिसको गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है गन्ने के जूस का। तो यहाँ से मसाला पीसते पीसते मैं बात कर रही थी मीशू के साथ कि मीशू क्या पियोगे, तो मीशू बोल रही थी जूस, तो मैंने कहा कौन सा, वो कह रही थी आम का, मैंने कहा नहीं गन्ने का जूस पियेंगे। मसाला इस तरह से बातें करते करते पीस गया और यहाँ सब्ज़ी भी तैयार हो गई। सब्ज़ी तैयार होने के बाद खाने की वीडियो ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बच्चे शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी थी, इतना टाइम मिला नहीं मुझे। तो
पूरी वीडियो देखो ख़त्म होने को आ गई है। मैंने अभी तक नहीं बोला आपको कि जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। हमेशा ये एंड में बोलती हूँ और इसी बात के लिए मैं अपने आप को बहुत बोलती हूँ कि मैं शुरुआत में क्यों नहीं बोलती हूँ, जबकि जिसके 1,000 मिलियनर्स व्यूअर्स हैं फिर भी वो लोग ये लाइन बोलते हैं। ये लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दें, अच्छा लगता है। बाय बाय।